Hello viewers, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, Kemthe. I am Sadia from BGM's Patisserie. जी viewers, आप देख रहे हैं जैसे कि ये केक ये मैंने अपनी बेटी के बर्थडे में बनाया था और बनाया तो 3 tier था लेकिन एक tier हम खा चुके हैं और अब ये 2 tier बचे हैं तो लेकिन मैंने डेकोरेशन इसमें करके दिखा दिया आपको कि कैसे मैंने डेकोरेट किया था और ये फेस मैंने अपनी बेटी का पेंट किया था और ये हम एक कैट का किया था पेंट इस पे जो है स्टेंसलिंग की है और जो मैंने टेक्निक्स यूज़ की हैं वो आपको मैं वन बाय वन सिखाऊंगी. आज जो मैं सिखा रही हूँ वो स्टेंसलिंग करना सिखा रही हूँ जो मैंने ये इस रेड वाले केक पे की है. तो आप किस तरह से स्टेंसलिंग करते हैं इनके 2 मेथड मैं आपको सिखाऊंगी. तो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं. चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेंसलिंग. व्यूअर्स, अभी आपको मैंने बताया था कि अपना केक जो दिखाया है उसमें देखिए मैंने स्टेंसिल का यूज़ किया है और ये वाला स्टेंसिल का यूज़ किया है वो केक के साइड्स में, ठीक है. और मेरे पास बहुत सारे स्टेंसिल हैं. आज आपकी क्लास पूरी स्टेंसिल पे ही है तो मैं आपको दिखा दूँ देखें कितना खूबसूरत है. ये शैंडलियर का डिज़ाइन है. ये मेरे पास थ्री साइजेस में है. ये सबसे छोटा है, देखें हार्ट शेप का है. ये इसमें 2 तरह के डिज़ाइन हैं. ये देखें देखें ये फ्लावर का है और ये डिफरेंट हैं. कुछ एशियन स्टाइल का जो होता है जैसे पेजली है. ये पेजली देखें कितना खूबसूरत है. ये अलग अलग भी हैं मेरे पास रखे हुए. और आप जैसे अगर आप किसी जगह का दिखाना चाहते हैं तो ये देखें एफिल टावर है और दूसरी चीज़ें हैं. देखें ये भी और जगहों का है और भी है मेरे पास. बहुत इजी सिंपल सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं और ये अच्छा स्टाइल भी है, ठीक है. और ये स्टेंसिल आप खुद भी बना सकते हैं, आपको आगे बताऊंगी. ये देखें ये मैंने ये कुछ बोर्ड्स पे कलर करके और फॉन्डेंट पे कलर करके और बोर्ड्स पे लगा दिया है. जैसे आपने केक पे देखा था उसी तरह से देखें ये मैंने स्टेंसिल से बनाया है और ये मैंने रॉयल आइसिंग से बनाया है. स्टेंसिल आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक रॉयल आइसिंग से और एक जो है आप कलर करके. तो रॉयल आइसिंग से करने का बहुत तरीका आसान है. मैं आपको कोई एक इसमें से उठाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह करते हैं. चलो ये दिखा देते हैं हार्ट वाला. जी ये देखें अब ये है. तो अब हमें इस साइड पे और इस साइड पे कहीं ये नहीं करना है तो हम इस जगह मास्किंग टेप लगा देंगे ताकि ये सेंटर में रहे. व्यूअर्स ये देखें हमने सिक्योर कर लिया है. ये जो इस पर मैंने फॉन्डेंट जो लगाया था बोर्ड पे उसको वो काफ़ी ड्राई हो चुका था. मतलब आपको एक दिन पहले आप फॉन्डेंट लगा लें उसके बाद फिर उस पर रॉयल आइसिंग से करें. ये रॉयल आइसिंग है. रॉयल आइसिंग की रेसिपी आपको मेरे स्टेन ग्लास केक के वीडियो में मिल जाएगी. वो आप कॉर्नर पर देखें उसका आई कार्ड आएगा तो आप उससे देख सकते हैं. जब ये लग जाएगी बहुत ही ईजी है. देखें जब ये लग गई अब इसको हम एक बिल्कुल स्ट्रेट जिसके सरफेस हो उससे हम इसमें न्यू निकाल देंगे. अब हम इसको निकाल देते हैं थोड़ा. ये कितना अच्छा इसका बन के आया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, ठीक है. अब मैं आपको कोई और दिखाती हूँ दूसरा डिज़ाइन. ये देखें अब मैं सेकंड इस ये दिखा रही हूँ जो मैंने अपने केक पे किया है यूज़. Thank you.
बस इसमें बहुत ही पतली सी एक लेयर उसमें आनी चाहिए आपके फोंडेंट पे या आपके केक पर, बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अब हम इसको उठाएंगे, ये देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनकर आया है। इसको बस सिर्फ धोना है, वॉश करना है सोप वाटर से, ये वापस रेडी हो जाएगा दूसरे नेक्स्ट काम करने के लिए। ठीक है, दो आपको मैंने स्टेंसिल उसके बता दिए, अब मैं दूसरा बताऊंगी जी। अब मैं आपको फोंडेंट पे, मतलब इसमें रॉयल आइसिंग नहीं लगेगी, इसमें हम डस्ट कलर करेंगे। ठीक है, तो इसको बता दूंगा, ये देखिए यह मैंने बेल लिया है, इसको रोल कर लिया है। अब इस पर ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो रेड है, तो अब मैं इस पर ये जो मैंने रोल किया है इसके ऊपर मैं ये स्टेंसिल रख रही हूँ। स्टेंसिल रख के मैं प्रेशर से और इसको रोल करूँगी। ठीक है, ये देखिए प्रेशर से मैंने इसको रोल किया है, तो ये जो स्टेंसिल के जो होल हैं या जो उसकी जगह है उसमें वो बाहर आ जाएगा फॉन्डेंट। तो अब हम इसको करेंगे, इस पर हम डस्टिंग करेंगे। ठीक है, हम बहुत ही आराम से इसको उठा लेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा इसमें इफेक्ट आया है। अब आप चाहें तो इसको किसी कटर से काट लें, चाहें तो आप ब्लेड से इसको काट के अलग कर लें, जैसे इस तरह से एक ब्लेड लेकर और आप इसको इसके किनारे पे काट के इसको अलग कर लें। ठीक है, ये भी एक तरीका है, अलग करके और अपने बोर्ड पे या अपने केक पे लगा लें, या फिर आप ऐसा करें कि इसके कोई भी कटर से, ये मेरे पास इस तरह कटर है, आप कोई राउंड कटर ले लें, स्क्वायर कटर ले लें, किसी से भी आप ये कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं कटर से काट रही हूँ, तो ये कटआउट से बन गए हैं और ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको उठाएंगे एक एक को, और इस पे लगाते जाएंगे। आप ये समझेंगे ये केक है और इसको आप डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से, आप ज़रूरी नहीं कि ये जैसे मैंने लस्टर डस्ट किया है, आप कोई कलर का भी कर सकते हैं और उसके ऊपर लस्टर डस्ट कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो जैसे भी डेकोरेट करें, पहले आप इसको सेट कर लें अपने केक पे, या फिर उसके बाद ग्लू लगा के इसको डेकोरेट कर लें ऐसे। और वो दिखा देते हैं, ये जो लस्टर डस्ट था इसी के अंदर मैं थोड़ा सा मैजेंटा लगाऊंगी, मिक्स करूंगी। अब मैं इसको रोल करूंगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं बिल्कुल साइड से, और इसके अगर आपके पास नहीं है ये तो आप शार्प नाइफ से कर सकते हैं। अलग कर लूंगी, और उसके बाद हम इसको, अभी हमने जो किया है ये ड्राई हो गया, इस पे हम इस तरह से लगा देंगे तो ये डबल डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें
उम्मीद है आपको मेरी ये सब जो तरीका है, ये जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आपको पसंद आएंगी। जी वर्स, देखा आपने कितना इजी था स्टेंसलिंग करना केक पे, और इस बिल्कुल केक की शक्ल ही चेंज हो जाती है स्टेंसलिंग के बाद। ये देखें, ये कितना अच्छा ज़बरदस्त बना है रॉयल आइसिंग से। रॉयल आइसिंग की रेसिपी आपको मेरे स्टेन ग्लास केक की वीडियो में मिल जाएगी, उसका आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। और ये देखें रेड पे, और इसी तरह आप कंट्रास्ट पे डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये टेक्निक पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई नई टेक्निक लेकर आएंगे। और मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।